इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से। ग्वालियर में भाजयुमो और कांग्रेसी कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे थे रोड शो का विरोध करने। भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में हुई झड़प। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे थे रोड शो का विरोध करने। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से। ग्वालियर में भाजयुमो और कांग्रेसी कार्यकर्ता आमने सामने हो गए हैं। पुलिस को काबू करने के लिए भीड़ को काबू करने के लिए और भाजयुमो और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से। इस रैली में सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई थी। आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ का जमावड़ा लगाया गया था और भाजयुमो और कांग्रेसी कार्यकर्ता इसी दौरान आमने सामने हो गए। भाजयुमो कार्यकर्ता पहुंचे थे कांग्रेस की रैली को रोकने के लिए और इसी दौरान दोनों के बीच में यह विवाद हो गया। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज कर काबू किया है भाजपा और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को और इसी दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से। ग्वालियर में कांग्रेसी और भाजयुमो आमने सामने हो गए और आप देख सकते हैं किस तरह से झड़प हो रही है। भाजयुमो और कांग्रेसी आमने सामने हो गए हैं। कांग्रेसी एक रैली कर रहे थे जिसमें भाजयुमो उसमें रोकने के लिए पहुंचे और इसी दौरान यह विवाद हो गया और इस विवाद को काबू करने के लिए पुलिस आप देख सकते हैं किस तरह से लाठी चार्ज कर सबको खदेड़ रही है। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। आप देख सकते हैं किस तरह से भाजयुमो और कांग्रेसी आमने सामने हो गए। भाजपा कार्यकर्ता जब पहुंचे थे रोड शो का विरोध करने और इसी दौरान दोनों के बीच झड़प हो गई और आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस भीड़ को काबू करना चाह रही है।